नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर मैं आपसे आपकी रेगुलर एलोपैथिक दवा की डोज का 2 से 3 गुना लेने के लिए कहूं, तो क्या आप इसे ले लेंगे? मुझे यकीन है कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। मॉडर्न एलोपैथी को हमारा रक्षक कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसकी ठीक से जाँच पड़ताल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा झूठ है और एक गंदा स्कैम है। शायद अभी आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसीलिए दोस्तों, पिक्चर यानी कि इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये पिक्चर या वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि अगर मैं आपसे आपकी रेगुलर एलोपैथिक दवा की डोज का 2 से 3 गुना लेने के लिए कहूं, तो क्या आप इसे ले लेंगे? चलिए अब हम इस एलोपैथिक दवा की जगह किसी भी नेचुरल मेडिसिन या आयुर्वेदिक दवा को रख के देखते हैं। मान लो आपने कोई आयुर्वेदिक दवा उसकी क्वांटिटी से 2 से 3 या 10 गुना खा ली, फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपके पेट में दर्द, उल्टी या लूज मोशन और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन या सिर दर्द। लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझकर कोई एलोपैथिक दवा 2, 3 या 10 गुना ले लेते हैं, जैसा कि सुइसाइड के मामले में होता है, तो इसका दुष्प्रभाव आपको मृत्यु तक ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप दिन में 1 गोली लेते हैं और अचानक अगर आप 5 से 10 गोलियां ले लेते हैं, तो आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि आप कोमा में भी जा सकते हैं या मर भी सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बीपी के पेशेंट हैं और आप 1 या 2 बीपी की गोलियां लेते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर या अनजाने में ओवरडोज ले लेते हैं, तो आप अपना जीवन खो देंगे। दोस्तों, ऐसा सिर्फ शुगर या बीपी की ही नहीं, एलोपैथी की अधिकांश दवाइयों के लिए सच है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसी कारण से ये सुइसाइड मेंटालिटी वाले लोगों के लिए सबसे इजी ऑप्शन है और कई बच्चों की आकस्मिक मौत का भी कारण है। जरा सोच के देखिए कि क्यों एलोपैथिक मेडिसिन को बच्चों की पहुंच से दूर रखने को कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाओं के मामले में आपने कितनी बार ऐसी घटनाओं के बारे में सुना या देखा है, लेकिन एलोपैथिक दवाओं के ज्यादातर केसेस में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए हमें ही दोषी ठहराया जाता है कि हमने दवा लेते वक्त सावधानी नहीं बरती। लेकिन कभी भी किसी दवा कंपनी या किसी सरकारी एजेंसी को इन जहरीली केमिकल दवाओं को पब्लिक के बीच पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। और बस दवा की बोतल पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देने से हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और सरकारी एजेंसीज के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी चीज जो हमें किसी बीमारी से बचाती हो या उस बीमारी को ठीक करती हो, उसे दवा या मेडिसिन कहा जाना चाहिए, फिर चाहे ये इंटेंशनल या अनइंटेंशनल हो। 1 या 2 दिन के लिए थोड़ी असुविधा या डिस्कम्फर्ट ठीक है, लेकिन अगर इससे किसी की मौत हो जाए या उसे कोई सीरियस शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचे, तो आप इसे दवा कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, क्या ये वास्तव में आपकी बीमारी को ठीक करने के नाम पर कम मात्रा में दिया जाने वाला जहर नहीं है? एलोपैथिक दवाइयां बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन जरा लॉजिकली सोच के देखिए कि क्या ये सच में काम करती हैं? मेरा मतलब है कि बीमारी का इलाज। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है नहीं। ये बस कुछ दिनों या कुछ सालों के लिए आपकी बीमारी के सिम्टम्स से राहत देता है, जब तक कि वही बीमारी आप पर डबल या उससे कहीं अधिक शक्ति से दोबारा अटैक नहीं करती है। और तब आपका डॉक्टर आपको बड़ी ही आसानी से कहता है कि अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे से जो कुछ भी संभव था हमने किया, आगे भगवान की मर्जी। दोस्तों, चलिए अब इस सिचुएशन से 10 या 15 साल पीछे जाते हैं, जब आप पहली बार अपनी बीमारी के पहले सिम्टम्स या लक्षणों के लिए एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपकी बीमारी बस शुरू ही हुई थी। क्या कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर तब आपको ये कहता है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? लेकिन फिर क्यों वो आपको दवाओं की एक लंबी लिस्ट थमा देते हैं, तरह तरह के टेस्ट्स और रेगुलर चेकअप करने को कहते हैं, और यहाँ तक कि कुछ प्रिवेंटिव सर्जरीज भी करने को कहते हैं, जो कि आपके पैसों पर भी एक बड़ी सेंध लगाता है और जिसकी कीमत आपकी सेहत को चुकानी पड़ती है? लेकिन फिर भी क्या ये सब आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करते हैं? दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, आजकल हर प्राइवेट हॉस्पिटल लगभग एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के जैसे ही काम करते हैं, जिसमें हर कर्मचारी, जी हाँ, भगवान के रूप वाले डॉक्टर्स भी मोटे कमीशन और अपने और हॉस्पिटल के मुनाफे के लिए ही काम करते हैं। ये एक ऐसा पैसों का मायाजाल है जिसमें आपको आपकी बीमारी के शुरुआती सिम्टम्स के साथ ही ट्रीटमेंट के नाम पर जकड़ना या फंसाना शुरू हो जाता है। आपको एक लंबे समय तक बेवकूफ बनाया जाता है और ट्रीटमेंट के 10 से 15 साल बाद भी आपके सारे पैसे लेकर आपके अनमोल जीवन को धोखा दिया जाता है। दोस्तों, चलिए इसे एक दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आजकल अगर कोई स्टूडेंट एक सिंपल डिग्री करना चाहता है, तो उसकी फैमिली को कुछ हजार खर्च करने पड़ते हैं। अगर वो एक इंजीनियर बनना चाहता है तो कुछ लाख लगते हैं। लेकिन अगर वो एक
डॉक्टर बनना चाहता है तो हजार और लाख नहीं, मिनिमम 1 करोड़ लगते हैं। एजुकेशन तो एजुकेशन है दोस्तों, जिसके खर्च में थोड़ा अंतर होना तो समझ में आता है, लेकिन इतना अंतर क्यों? दोस्तों, इस डॉक्टर पेशेंट वाले बिजनेस की शुरुआत हमारी एजुकेशन से ही शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल आपके किसी भी बिजनेस या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और उससे मिलने वाले रिटर्न्स जैसा ही है। जितना बड़ा पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट या प्रीमियम, उतना ही बड़ा रिटर्न बेनिफिट। और दोस्तों, ये रिटर्न बेनिफिट आता कहाँ से है? ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स से। और एक बात हमेशा याद रखें कि आजकल के ज्यादातर डॉक्टर्स भगवान का नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल का रूप होते हैं। शायद एक भी डॉक्टर इस बयान से सहमत नहीं होंगे, वो शायद आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप उनसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछें, क्या वो पिछले 50 या 100 वर्षों में एक भी बीमारी का नाम बता सकते हैं जो कि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों द्वारा पूरी तरह से ठीक किया गया हो, लाखों या करोड़ों खर्च करने के बावजूद? अगर एकदम फर्स्ट स्टेज वाला कोलेस्ट्रॉल या शुगर से ग्रसित पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो वो पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं होता है? क्यों ज्यादातर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स एक पेशेंट की लाइफस्टाइल, उनके फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज रूटीन आदि और पूरे शारीरिक और मानसिक लेवल पर उसे ठीक से गाइड करके ठीक क्यों नहीं करते हैं? फिर चाहे उसे एक सिंपल बुखार हो जैसे कि डेंगू या फिर कोई जटिल रोग जैसे कि एड्स। दोस्तों, अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो तो आइए हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और जो विभिन्न स्टडीज और रिसर्चेस से साबित भी हो चुके हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों से आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि एलोपैथी किसी भी बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए कितनी सफल चिकित्सा पद्धति है। आजकल के हॉस्पिटल्स बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और सबसे उन्नत और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं जैसा कि दावा किया जाता है। फिर भी क्यों पहले से कहीं अधिक लोग सर्दी, जुकाम, अनिद्रा, क्रॉनिक फेटीग या थकान, डिप्रेशन, तनाव और चिंता से ग्रसित हैं? क्यों पहले से कहीं अधिक लोगों को हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और एड्स है? क्यों पहले से कहीं अधिक लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अस्थमा, माइग्रेन, सिर दर्द, जोड़ों, गर्दन और पीठ में दर्द होता है? क्यों पहले से कहीं अधिक लोग एसिड रिफ्लक्स, अल्सर्स और पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं? पहले से कहीं अधिक महिलाओं में मेनोपॉज और पीएमएस बार बार और ज्यादा गंभीर होता है? पहले से कहीं अधिक बच्चे फोकस कर पाने में विफल रहते हैं और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी से ग्रसित हैं? क्यों पहले से कहीं अधिक लोगों की त्वचा ज्यादा खराब, मुहासों से भरी हुई और उनके बालों में रूसी और झड़ने की समस्या है? क्यों पहले से कहीं अधिक लोग यौन रोग और बांझपन से पीड़ित हैं? क्यों आजकल के लोगों में एलर्जी, गठिया, कब्ज, फाइब्रोमायल्जिया, मुंह के छाले और हर्पेटिक ब्रेकआउट्स होते हैं? क्यों पहले से कहीं अधिक लोग वायरल और अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं और मरते हैं? दोस्तों, इतने साइड इफेक्ट्स होने के बाद और हर तरह की बीमारी में वृद्धि के बावजूद क्यों पूरे मानव जाति के इतिहास में हम पहले से कहीं अधिक डॉक्टरों से मिलते हैं? हम पहले से कहीं अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, चेकअप्स और सर्जरीज करवाते हैं? क्यों प्रत्येक व्यक्ति पहले से कहीं अधिक दवाओं का सेवन कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन या बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले? अगर एलोपैथी इतना सक्षम है तो क्यों हम में से ज्यादातर लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं? दोस्तों, फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार हम अभी तक बताई गई अधिकांश बीमारियों से युद्ध में हार रहे हैं। 1971 से अब तक कैंसर को रोकने या ठीक करने की कोशिश में लगभग $200 बिलियन से अधिक खर्च करने के बाद भी क्यों आज पहले की तुलना में हमें कैंसर होने की अधिक संभावना है? दोस्तों, अभी तक केवल अमेरिका में ही हेल्थ केयर पर प्रति वर्ष $4 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतना खर्च सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक रिसर्च और ट्रीटमेंट का ही है। अगर आप इस एलोपैथी को बढ़ावा देने और रिसर्च पर पूरे विश्व के खर्च को मिला लेते हैं तो ये पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में $500 ट्रिलियन से भी अधिक है। लेकिन फिर भी यदि आप उन शोधों या रिसर्चेस से प्राप्त परिणामों को देखेंगे तो उनकी सफलता की दर लगभग ना के बराबर है, लगभग 1% हमारे स्वास्थ्य की देखभाल पर खर्च किए गए धन की तुलना में। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या ये इतने फेमस एलोपैथी की लो सक्सेस रेट को नहीं दर्शाता है? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इसी तरह से आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि जैसे अन्य उपचार पद्धतियों के आंकड़े होते तो इसे कानूनी रूप से 50 साल पहले ही इनएफेक्टिव या वेस्ट कहकर ज्यादातर सरकारी एजेंसियों द्वारा बैन कर दिया जाता और इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता? फिर क्यों दुनिया भर में इस एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन को मानव जीवन और धन की कीमत पर इतनी लिबर्टी और खुली छूट दी गई है? दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया है कि दुनिया भर के डॉक्टर्स हर साल 5 ट्रिलियन से अधिक तो बस प्रिस्क्रिप्शन या दवा की पर्ची ही लिखते हैं। अकेले अमेरिका में एक आम अमेरिकन के पास 30 से अधिक अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन और बिना पर्चे वाली दवाइयाँ होती है। और यदि आप पूरी दुनिया पर नजर डालें तो आज की डेट में पूरी मानव जाति के इतिहास में दवाओं की तुलना में एक आम आदमी पहले से कहीं अधिक संख्या में रोज दवाइयों का सेवन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बड़ा सवाल ये है कि जो हम इस मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के जरिए ढूंढ रहे हैं, क्या वो हमें मिल रहा है? अभी तक तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि इसका उत्तर है
एक बड़ा सा नो। हैरानी की बात यह है कि फिर भी हमारी सरकारी एजेंसियां और आम जनता या पब्लिक भी इस मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती है, और जो इसे कंट्रोल करने के बजाय आपका और हमारा ब्रेन वॉश करते हैं कि बस एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन ही हमें बचाने की एकमात्र रामबाण चिकित्सा पद्धति है और बस ये ही हमारा कल्याण कर सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, क्यों इस एलोपैथी की विफलताओं को छुपाया जाता है और क्यों हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के रिसर्च और ट्रीटमेंट पर इस एलोपैथी की तुलना में कुछ मिलियन डॉलर्स भी नहीं खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, इस रहस्य को डिकोड करने के लिए आपको शर्लक होम्स या ब्योमकेश बख्शी होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि इस रोगों के इलाज और रोकथाम या प्रिवेंशन के खेल या घोटालों की एकमात्र विजेता होती है दवा बनाने वाली कंपनियां, हेल्थ केयर कंपनीज और हाईली एजुकेटेड और पेशेवर स्वार्थी डॉक्टर्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जो भारी मुनाफे के लिए दुनिया के इस सबसे बड़े और गंदे स्कैम को कानूनी रूप से चलाते हैं। दोस्तों, लगभग सब सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को पता है कि अधिकांश देशों में इस रैकेट को चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी दवा कंपनियां बड़े पैमाने पर रिश्वत देती है। उदाहरण के लिए 2014 में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी पर उनके बिजनेस को चाइना में बढ़ाने के लिए चाइनीज डॉक्टरों, सरकारी अधिकारियों, हॉस्पिटल कर्मचारियों आदि को रिश्वत के तौर पर लगभग 500 मिलियन डॉलर दिए जाने की वजह से चाइना की कोर्ट ने उन पर 500 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक घटना है, तो चलिए दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी फाइजर के बारे में बात करते हैं, जो 2012 में बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इटली, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना और सर्बिया में मेडिकल प्रोफेशनल्स को घूस देते हुए पकड़ा गया था उनकी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जिन्होंने जल्दी ही अपने अपराध को मान लिया था और जुर्माने के तौर पर 60 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। लेकिन क्या सिर्फ जुर्माना चुकाने से उनकी दवा की क्वालिटी में सुधार हो जाएगा, जो वो अभी भी पूरी दुनिया में बेच रहे हैं? दोस्तों, कड़वी सच्चाई ये है कि कई सारी सरकारी एजेंसियां इन एलोपैथिक दवा कंपनियों से बस नाम मात्र फाइन और कमीशन कलेक्ट करके अपना मुंह बंद कर लेती हैं, बिना ये सोचे कि ये कंपनियां हेल्थ केयर के नाम पर जनता के पैसे और स्वास्थ्य दोनों को ही लूटते हैं। और दुख की बात ये है कि अब इसकी हम में से ज्यादातर लोगों को कोई परवाह भी नहीं है। दोस्तों, इस घोटाले में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स अपने कॉम्पिटिटर्स के बजाय अपनी ही दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका डॉक्टर आपको वो गोली या दवा नहीं देता है जो आपकी कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट है, बल्कि इसीलिए उस दवा का पर्चा बनाकर आपको देता है क्योंकि दवा कंपनी ने उनकी दवाइयों को प्रमोट करने की एवज में उन्हें एक नई कार या कुछ और गिफ्ट किया है। दोस्तों, फाइजर कंपनी ने तो चाइना में एक पॉइंट्स प्रोग्राम भी बनाया था, जिसमें डॉक्टर्स उनकी दवाइयों की कितनी प्रिस्क्रिप्शंस अपने पेशेंट्स को लिखते हैं के बेसिस पर उन्हें मोबाइल फोन्स और कुछ अन्य गिफ्ट्स आदि से रिडीम करने की सुविधा थी। दोस्तों, जब 2012 और 2014 में ऐसी घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हो सकती हैं, तो सोचिए 2019 में ये गोरखधंधा कितना इफेक्टिवली चलाया जाता होगा और आने वाले वर्षों में ये कितना घिनौना रूप ले लेगा। दोस्तों, अपनी अगली गोली लेने से पहले एक बार जरूर इस बात पर विचार करें कि अगर ऐसा चाइना जैसी कम्युनिस्ट शासन में हो सकता है, तो भारत और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या क्या होता होगा। अगर ये दवा कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके या पब्लिक हेल्थ या हमारे हित को कभी भी अपने ध्यान में रखते होंगे? चलिए दोस्तों, आपको 2017 में नई दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल का ही एक किस्सा बताते हैं, जिसमें 7 साल के एक बच्चे ने 22 दिनों तक अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अपनी जान गंवा दी और जिसके घर वालों को उसके डेंगू इन्फेक्शन के लिए हॉस्पिटल वालों ने 16 लाख का बिल थमा दिया। दोस्तों, माफिया की तरह काम करने वाले इस मेडिकल इंडस्ट्री का सिर्फ ये एक एग्जांपल है। इस गरीब परिवार ने अपने छोटे बच्चे के इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया, लेकिन बिजनेस करने वाले हॉस्पिटल्स को इसकी कोई चिंता नहीं है। उनके 16 लाख के बिल में से केवल दवा की ही कीमत 7 लाख से अधिक बताई गई थी। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि इस बेहोश बच्चे को किस तरह की संजीवनी दवाइयां दी गई थी जिनकी लागत 7 लाख से अधिक थी? और अगर वास्तव में ये इतनी महंगी और जीवन रक्षक दवाइयां थी, तो बच्चे को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्या कोई व्यक्ति या सरकारी एजेंसी ऐसे डॉक्टरों और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे दिन के उजाले में होने वाले ऐसे घोटालों की सही से जांच हो सके? दोस्तों, पुराने टाइम में कहा जाता था कि डॉक्टर तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा करने वालों को भगवान कहना सही है? इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं है कि आजकल के ज्यादातर डॉक्टर्स अपनी हिप्पोक्रेटिक ओथ या शपथ लेते वक्त प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिप्पोक्रेसी बनने की भी शपथ लेते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि हम इस मॉडर्न मेडिसिन और मेडिकल इंडस्ट्री के इस अमानवीय बर्ताव को नजरअंदाज ना करें, जिसमें नैतिकता और मूल्यों की कोई जगह नहीं है। इस बड़े कानूनी घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना दुनिया के हर देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, जिससे कि हमारी सरकार हर प्रकार की अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ बहुत कड़े कानून बनाने के लिए मजबूर हो जाए, फिर चाहे वो एलोपैथी हो या कोई और मेडिकल प्रैक्टिस, उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्यवाही के लिए वो जवाबदेह हैं। सभी सरकारी, कॉर्पोरेट
और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कुछ तत्काल और अनिवार्य नियम होने चाहिए, जैसे कि पहला, हर अस्पताल को उसके प्रत्येक वार्ड में और एंट्रेंस पर एक डिस्क्लेमर रखना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों की तुलना में एलोपैथिक उपचार की सफलता की प्रतिशत कितनी है, जिसका ऑनलाइन काफी रिसर्च और डेटा मौजूद है। दूसरा, पेशेंट से किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट कंसेंट फॉर्म पर साइन कराने से पहले डॉक्टरों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वो उस पेशेंट और उसकी फैमिली को उसके रोग से जुड़े हुए ऑल्टरनेट या वैकल्पिक और नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि रोगियों के हित के लिए एक अच्छे डॉक्टर को एलोपैथी के अलावा भी दूसरे प्रकार के सफल वैकल्पिक नेचुरल उपचारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और यदि वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ये स्पष्ट है कि वो रोगी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तीसरा, हमारी सरकार को भी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी का गठन करना चाहिए जो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद आदि से लेकर एलोपैथी तक सभी चिकित्सा शाखाओं को सही से रेगुलेट करे और उससे जुड़ी हर बात, यहाँ तक कि उनके लाइसेंसेस, उनकी दवाइयों की क्वालिटी आदि को अपनी ओपन वेबसाइट पर ऑनलाइन रखे, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बनी रहे, और यदि संभव हो तो पिछले 50 से 100 वर्षों के भीतर हर दवा के प्रत्येक रूप जिसे किसी स्पेसिफिक बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए यूज किया जाता है उसकी भी लिस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो दवाई कितनी सफल या विफल है इसका अंदाजा लगाया जा सके और जो आम जनता तक भी पहुंच सके, जिसका कि कॉर्पोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने स्वार्थ से भरे उद्देश्यों के लिए खुलासा नहीं करते हैं या उन्हें जालसाजी से बदल देते हैं, जिससे कि मरीजों को उनकी बीमारी और उसकी गंभीरता के आधार पर सबसे बेस्ट उपचार उपलब्ध हो सके और सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे कि उनकी जान और माल की हानि ना हो। दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो के जरिए केवल इस कानूनी तौर पे चल रहे मेडिकल माफिया के पहाड़ के बस एक कण को ही उजागर किया है, और एक वीडियो में इससे जुड़ी सभी गंदी और खतरनाक बातों को बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए हम अपने आने वाले वीडियोस में इस व्हाइट कोट माफिया को उजागर करते रहेंगे और इसकी असफलता और सफलता के अनुपात का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे और अलग अलग बीमारियों के लिए ये साइंटिफिकली कितने खतरनाक साबित हुए हैं और इनके साइड इफेक्ट्स कितने जानलेवा हैं आदि भी जानने की कोशिश करेंगे, जिसका कि पिछली शताब्दी से ही आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारा आपको डराने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है और जिनमें अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए आपको बस सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी और सबकी जिंदगी अनमोल है और जब ये जिंदगी इतनी आसानी से मिलती नहीं है तो इसे अपनी ना समझी और लापरवाही से गंवाना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपना और अपनी फैमिली और दोस्तों की परवाह करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें और विशेष रूप से छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के साथ, जहां के भोले भाले लोग बहुत ही आसानी से इस मॉडर्न मेडिसिन के भ्रष्टाचार के झांसे में आ जाते हैं। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, जब तक आप अपनी आवाज उठाना शुरू नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बादी से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप आगे से कोई भी मॉडर्न मेडिसिन का इलाज और रोकथाम कराने से पहले उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने स्वास्थ्य को ही देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।